हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी और साथ साथ हमने उसके प्रिपरेशन मेथड को अच्छे से समझ लिया था, नाउ अब टाइम है कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ के आगे मूव किया जाए। तो देखते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, देखते बच्चों समझते हैं इसको। देखो यहां पर एल्काइल हैलाइड के हमको फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक एक करके हमको चीजों को समझना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला, एल्काइल हैलाइड्स आर टॉक्सिक इन नेचर। मतलब एल्काइल हैलाइड्स आपका नेचर में कैसा होता है बच्चों? टॉक्सिक होता है। तो ये क्या करेगा? क्रिएट अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस क्रिएट अनकॉन्शियसनेस व्हेन व्हेन इनहेल्ड इन लार्ज अमाउंट। मतलब आपका सिंपल बात है कि अगर मैं लार्ज अमाउंट में एल्काइल हैलाइड को इनहेल्ड करूंगा तो अनकॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो काफी सिंपल था। इसका दूसरा समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, आरएफ एंड आरएफ का मतलब एल्काइल फ्लोराइड एंड एल्काइल क्लोराइड, बोथ आर लाइटर देन वाटर। लाइटर देन वाटर मतलब वाटर से मतलब हल्के होते हैं। अब वाटर से हल्के होंगे तो वाटर के अंदर जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये वाटर के सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम आगे समझते हैं, आर आई एंड आर बी आर बोथ आर हैवियर देन वाटर, हैवियर देन वाटर। ये दोनों वाटर से हैवियर होते हैं, ठीक है बच्चों। ये काफी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली। फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको मगअप करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? स्टेबिलिटी की। तो अगर मैं स्टेबिलिटी के थीम से देखूं तो यहां पर आरएफ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद आरसीएल, आरबीआर और आरआई सबसे लेस स्टेबल। क्यों? ये मैंने बात किया बच्चों एक्सपोजर इन लाइट, ठीक है। एक्सपोजर इन लाइट, लाइट में एक्सपोज, लाइट में एक्सपोज करने पर। देखो अगर आरआई को मैं अगर लाइट में एक्सपोज करूंगा, सनलाइट में होगा ये आपका, तो ये तो तुरंत आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में, और साथ में आपका क्या प्रेजेंट कर देगा? आई टू, ठीक है। ये मैंने आपको मैक्सिमम बताया। इसी बिहेवियर की वजह से हम यहां पर HNO3 और HIO4 और H3PO4 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया करते हैं, ठीक है। रिएक्शन में कहीं कहीं आपने देखा होगा कि RI का रिएक्शन में HNO3, HIO4 और H3PO4 के प्रेजेंस में कराता हूं। इसका रीजन यही है, ठीक है। नेक्स्ट डी पॉइंट, अब हम समझते हैं यहां पर इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे। ये हमारा क्या होगा बच्चों? ये हमारा होगा बच्चों यहां पर एल्काइल हेलाइड। अब देखो एल्काइल हेलाइड, जैसा कि आप लोग समझते हैं कि अगर इस बॉन्ड को मैं अगर डिसोसिएट करूंगा तो यहां पर डेल्टा माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा प्लस। अब यहां पर डेल्टा माइनस है, यहां पर डेल्टा प्लस है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये आपका पोलर इन नेचर होगा, ठीक है, पोलर इन नेचर होगा। अब ये अगर आपका पोलर इन नेचर हुआ तो जैसा कि आप लोगों ने कंसेप्ट समझा हुआ है, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक। मतलब अगर ये आपका पोलर है, H2O भी आपका पोलर होगा, तो इसका मतलब ये आपका H2O में डिसॉल्व होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अब यहां से जनरेट होगा आपका बच्चों, ठीक है। बट इट कैन नॉट डिसॉल्व डिसॉल्व इन वॉटर ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ टू फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के इनएबिलिटी की वजह से ये आपका डिसॉल्व नहीं होता है। अब हम इसको एक और तरीके से समझते बच्चों, ठीक है, इसको एक और तरीके से हम समझेंगे काफी अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाइए। देखो अब यहां पर समझते हैं हम, H2O मॉलिक्यूल में बच्चों आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जैसा कि आप लोग समझते हो। देखो यहां पर H2O मॉलिक्यूल, अब देखो H2O मॉलिक्यूल में बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल होंगे यहां पर, ठीक है, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल मैंने एज्यूम कर लिए, H2O H2O, तो उन सब के आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उन सबके आपस में कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एल्काइल हैलाइड को मिक्स कर दूं, तो एल्काइल हैलाइड आपका H2O मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन करेगा, तो यहां पर आपका क्या बनाएगा, यहां पर आपका ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर अगर आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, अब यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक फिनोमिना, एक्सोथर्मिक फिनोमिना, एक्सोथर्मिक आपका प्रोसेस होता है। अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका अट्रैक्शन बॉन्ड होगा, जहां पर मुझे इसको तोड़ने की रिक्वायरमेंट होगी, तोड़ने के लिए मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसोसिएट करना है तो मुझे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि इस बॉन्ड को फॉर्म करना है और यहां से डिसोसिएट करना है। अगर मैं इस बॉन्ड को फॉर्म करूंगा तो फॉर्म करने पर एक्सोथर्मिक आपका उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशियंट हो। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको सफिशियंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो सफिशियंट एनर्जी आपको यहां से प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, एल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वॉटर। एल्काइल हैलाइड्स आपका स्लाइटली सोल्यूबल इन वॉटर, वॉटर में आपका क्या होता है बच्चों, स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे, और यहां ध्यान रखना ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, ध्यान रखना इस बात का कि यह यहां पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका क्या हो जाता है बच्चों, डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हम समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। आप बच्चों ध्यान से, आप ध्यान से समझेंगे, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया एल्काइल हैलाइड। अब ये आपका यहां पर एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड को ध्यान से समझेंगे, ये वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा, तो यहां पर पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस क्रिएट होगा, तो इसका मतलब इस पर आयन क्रिएट हुए, तो इसके अंदर कौन सा फोर्स आपका काम करेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पर हम इसको बोलेंगे वंडरवॉल फोर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स मैंने बोल दिया, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में लिखवाया था बच्चों, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास, अगर आपका मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका इंक्रीज होगा। अब देखो यहां पर समझते, अगर आपका मॉलिकुलर मास बढ़ा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल टाइटली बॉन्डेड होगा उतना ज्यादा उसको डिसोसिएट मतलब अलग करने में उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होगी, इसका मतलब उसको उतनी ही हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसका मतलब उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास। अब देखो इसमें मैं कंडीशन बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फोर केस फर्स्ट, फोर डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड,
अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट हैलाइट की बात करूंगा तो इसका हिसाब से मतलब इस कंडीशन के हिसाब से आर आई आपका सबसे मैक्सिमम, उसके बाद आर बी आर, उसके बाद आर सी एल, उसके बाद आर एफ। तो मतलब आर आई का आपका क्या होगा बच्चों, आर आई का बॉलिंग पॉइंट आपका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला अगला, इसी में एक और कंडीशन हम बोल सकते हैं, कंडीशन टू फॉर आइसोमेरिक फॉर्म। आइसोमेरिक फॉर्म, अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। मतलब अगर मेन चेन में जितना आपका ब्रांच बढ़ेगा उतना ही आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। देखते हैं यहां पर, समझते हैं। तो इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 डिग्री आर एक्स का आपका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री आर एक्स का, उसके बाद 3 डिग्री आर एक्स। देखो एक एग्जाम्पल हम इसमें समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पर CH3, CH2, 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 X, ये हो गया फर्स्ट। यहाँ पर CH3, CH2, CH, CH3 और ये हो गया X, ये हो गया आपका सेकेंड। अब यहाँ पर CH3, C, CH3, CH3 और यहाँ पर हो गया X, इसको क्या बोलेंगे थर्ड। अब देखो इन सब में अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखूं तो यहाँ पर ब्रांचिंग सबसे कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका, और सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों, थर्ड का। तो आई होप कि आपको यहां तक फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन को ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अराइल हेलाइड। ठीक है, अराइल हेलाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हेलाइड। अब अराइल हेलाइड में अराइल कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अराइल का मतलब आपका क्या होता है, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, अब ध्यान से समझना, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब एरोमेटिक नाम का कहां से आया बच्चों, एरोमा। एरोमा का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपका प्रेजेंट स्मेल, मतलब जिसके अंदर प्रेजेंट स्मेल होगा वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, जनरली जनरली अराइल हेलाइड्स आर लिक्विड इन स्टेट, लिक्विड इन स्टेट। अपने स्टेट में क्या होता है बच्चों, लिक्विड होता है, विद प्रेजेंट स्मेल, मतलब प्रेजेंट स्मेल के साथ लिक्विड इन स्टेट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम अगला पॉइंट हम इसमें बोल सकते हैं, ध्यान से समझेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अराइल हेलाइड इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हेलाइड। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अराइल हेलाइड इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हेलाइड। ठीक है, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट आपका अराइल हेलाइड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्काइल हेलाइड से। ठीक है बच्चों, आगे अब हम समझते हैं, यहां पर ध्यान से हम यहां पर बोल सकते हैं, यहां पर अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया बच्चों सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, तो ध्यान से समझेंगे, अराइल हेलाइड्स कांट सॉल्युबल, कांट डिजॉल्व इन वॉटर, वॉटर हाँ, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब अराइल हेलाइड आपका मतलब वॉटर में डिजोल्व नहीं होता, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। लास्ट इसमें एक और पॉइंट हम देख लेते हैं कि अराइल हेलाइड्स आर स्टीम लिक्विड। मतलब आपका
यहां पर एराइल हैलाइड को अगर मैं एराइल हैलाइड के लिक्विड को अगर मैं हीट करूंगा तो वो आपके स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, स्टीम लिक्विड, ठीक है। मतलब यो वो अपने मतलब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर करूंगा तो वो अपने आप आपका कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, स्टीम फॉर्म में, स्टीम लिक्विड, ठीक है, स्टीम आपका लिक्विड होता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे बच्चों। तो हम वीडियो के इस सेगमेंट में कुछ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉली हेलोजन कंपाउंड्स अब यहां पर समझते हैं बच्चों। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स आपका होता क्या है, जिसमें एक से ज्यादा आपके हेलोजन प्रेजेंट हो, मतलब जिसमें आपके एक से ज्यादा अगर हेलोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे वो आपके पॉली हेलोजन कंपाउंड्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं बच्चों ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। क्या होता है बच्चों, ये CHCl3 और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म। अब देखो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज आपका मेडिकल इंडस्ट्री में एनेस्थेटिक के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसके लिए, यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन मेडिकल इंडस्ट्री। मतलब ये क्या करता है बच्चों, आपके जिस पार्ट में हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का यूज करेंगे उस पार्ट को वो आपका डिसेंसिटाइज कर देगा, मतलब उस पार्ट की सेंसिटिविटी को लॉस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का हम यूज एज अ एनेस्थेटिक मेडिकल इंडस्ट्री में सर्जरी के टाइम हम करते हैं इसका यूज। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म, बाय क्लोरोफॉर्म वी कैन फॉर्म क्लोरोपिक्रीन। हम यहां पर किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं बच्चों, क्लोरोपिक्रीन का। जैसे CHCl3 का रिएक्शन अगर मैंने HNO3 के साथ कराया तो यहां पर आपका NO2CCl CL CL, ये आपका क्या होता है बच्चों, क्लोरोपिक्रीन। ये आपका क्या होगा, क्लोरोपिक्रीन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, टीयर गैस, ठीक है। जो आपके वार के टाइम, मतलब वॉर के टाइम आपका टीयर गैस का काफी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर आर्मी कैंप में और वॉर के टाइम आपका टीयर गैस का काफी यूज होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरोफॉर्म इज कैप्ट इन डार्क कलर बोटल। मतलब क्लोरोफॉर्म को हमको किसमें रखना पड़ता है, डार्क कलर बोटल में। क्यों? क्योंकि अगर मैंने क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर के बोतल में नहीं लिया तो CHCl3 सनलाइट के प्रेजेंस में आपका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो यहां पर पॉइजनस गैस, मतलब फॉस्जिन का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि काफी आपका क्या होता है बच्चों, पॉइजनस होता है, और साथ में आपका HCl गैस का रिमूवल करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम किसका ऐड करते हैं, इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल के साथ जुड़ के ये क्या बना लेता है बच्चों, इथाइल कार्बोनेट, मतलब C2H5CO3 यहाँ पर ट्वाइस इसका फॉर्मेशन कर लेता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस हम कैसे कराएंगे बच्चों, देखो इसका मैं स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। देखो अगर मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर क्या होगा बच्चों, HCOHOHOH। अब देखो यहां से मेरे एक कार्बन पे तीन OH, वैसे ही आपके दो OH अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन यहाँ पर तीन तीन आपके OH है तो अनस्टेबल होगा। तो यहां से H2O का रिमूवल होगा तो यहां पर क्या बना लेगा बच्चों, फॉर्मिक एसिड। और आगे अगर ये NaOH के साथ इसका ऐड करेंगे तो फॉर्मेट एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, फॉर्मेट सॉल्ट आपका फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से हम इसका हाइड्रोलाइसिस भी
करवा सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं यहां पर कि क्लोरोफॉर्म, तो देखो यहां पर हायर कंजप्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, हायर कंजम्पशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 लीड्स टू किडनी एंड लीवर प्रॉब्लम ऑल्सो। ठीक है बच्चों, इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर ध्यान से समझेंगे, क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन। ठीक है, फ्रियोन फ्रियोन के फॉर्मेशन में भी इसका यूज करते हैं। अब हम समझते हैं कि फ्रियोन आपका क्या होता है। ठीक है, तो अगला जो आपका पॉली हेलोजन डेरिवेटिव है वो आपका क्या है बच्चों, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, आप समझते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अब क्लोरो फ्लोरो कार्बन मतलब CFC, और CFC को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रियोन। और ध्यान से समझेंगे इसका नेम हम कैसे लिखते हैं, XYZ, जहां हम इसका नेमिंग समझेंगे। ठीक है, X का मतलब क्या होगा बच्चों यहां पर, X का मतलब यहां पर होगा बच्चों कार्बन -1, Y का मतलब हाइड्रोजन+1, और Z का मतलब फ्लोरीन। ठीक है, तो अगर मुझसे यहां पर फ्रियोन की नेमिंग पूछी तो समझते कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर मैंने लिख दिया एग्जाम्पल नेमिंग ऑफ फ्रियोन। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं नेमिंग ऑफ फ्रियोन। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ये आपके IIT और मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल फ्रियोन का नेम पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा, तो आई होप कि आपको आना चाहिए ये। ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको, CF2Cl2, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम लिखेंगे फ्रियोन, एग्जाम्पल 1 फ्रियोन। अब देखो यहां पर कार्बन कितने बच्चों, 1, तो कार्बन कार्बन में 1 माइनस करना रहेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0। अब फ्लोरीन, अब यहां पर वाई, वाई क्या है हाइड्रोजन, तो वाई क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे वाई क्या होगा, वाई के बारे में बताओ, यहां पर हाइड्रोजन है नहीं है, यहां पर 0+1, तो हाइड्रोजन 1 हो जाएगा अपने आप, हाइड्रोजन के लिए वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। नाउ जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने बच्चों, 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रियोन 012। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम समझते हैं, यहां पर यहां पर 3Cl, अब इसका नाम बताएंगे बच्चों फ्रियोन, जल्दी से बताइए इसका नाम बच्चों, क्या नाम होगा इसका, देखो कार्बन में 1 माइनस करना है तो यहां पर क्या आ जाएगा 0। अब यहां पर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन का यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन आपका कितना है 0 है, तो हाइड्रोजन में 1 ऐड कर देंगे तो यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर फ्लोरीन कितने है, 3 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा फ्रियोन 013। नेक्स्ट अभी हम एक और एग्जांपल समझते हैं इसका बच्चों, ध्यान से बच्चों इसका नेमिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका नेमिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ पॉइंट, थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं CFCl3। अब देखो इसका नाम क्या होगा बच्चों, फ्रियोन, क्या बोलेंगे, कार्बन 1 है, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, फ्लोरीन आपका 1 है और यहां पर हाइड्रोजन 0 है तो 1 हो गया, या इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रियोन 1-1, हाइड्रोजन हाइड्रोजन+1, ये आपका कार्बन -1, मतलब एक कार्बन था तो एक कर दिया, यहां पर हाइड्रोजन+1 और यहां पर नंबर ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोरीन, तो आई होप कि आपको फ्रियोन की नेमिंग आ गई होगी। सो होमवर्क के लिए बच्चों आप इसको लिख लीजिए C2F4Cl2, इसका नेमिंग आपको पढ़ना है, और फिफ्थ C2F2Cl4, इसकी आपको नेमिंग करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, इसका नेमिंग आप लोगों ने ट्राई करना। ठीक है बच्चों, अब देखो फ्रियोन को, फ्रियोन आपका किसकी तरह यूज होता है बच्चों, फ्रियोन आपका यूज होता है यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट किसकी तरह यूज होगा बच्चों, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होगा ये आपका, या फिर आपका प्रोपोलेंट, प्रोपेलेंट।
ठीक है, प्रोपेलेंट की तरह यूज होता है बच्चों ये आपका, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से समझेंगे, ये आपका काफी हार्मफुल है, ठीक है, ये आपका हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है बच्चों? ड्यू टू द सीएफसी, आपका क्या होता है, ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर आपका क्या हो रहा है बच्चों, डिप्लेट हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है। ओजोन लेयर आपका क्या हो रहा है, डिप्लेट हो रहा है, ठीक है। ओजोन लेयर का यहाँ पर डिप्लेशन होता है, ओजोन लेयर के डिप्लेशन की वजह से जो आपके हार्मफुल जो रेडिएशन होते हैं सनलाइट से, वो डायरेक्ट स्किन पे आते हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है बच्चों, कॉज्ड स्किन कैंसर, ठीक है। स्किन कैंसर मतलब ये आपके यहां पर ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है, और ओजोन लेयर में होल क्रिएट कर हो चुका है, और होल की वजह से आपके डायरेक्ट जो सनलाइट है, सनलाइट का रेडिएशन आपके स्किन पे पड़ेगा, जिससे आपका क्या होगा बच्चों, स्किन कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो थर्ड जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका बच्चों डीडीटी है। क्या है बच्चों आपका डीडीटी? डीडीटी का नाम क्या होगा बच्चों, डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ये इसका पूरा नाम होता है। अब हम समझते हैं डीडीटी। डीडीटी क्या होता है बच्चों? डीडीटी के बारे में बताता हूँ बच्चों, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड किसकी तरह यूज होगा बच्चों? इंसेक्टिसाइड मतलब मलेरिया मॉस्किटोस को मतलब खत्म करने में, या फिर उसको हटाने में आप किसका करोगे यूज बच्चों? डीडीटी का। अब देखो डीडीटी का प्रिपरेशन मेथड क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। प्रिपरेशन मेथड ऑफ डीडीटी, डीडीटी का प्रिपरेशन कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं क्लोराल की रिएक्शन अगर मैं क्लोरोबेंजीन के साथ करा दूंगा, किसके साथ करा दूंगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन के साथ करवा दूंगा, तो आपका क्या बनेगा, डीडीटी का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? डीडीटी का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। ये आपका यहाँ पर क्लोराल है, क्या है क्लोराल? क्लोराल मतलब CCl3COH, ये आपने कहीं बनाया होगा बच्चों, आपने हेलो फॉर्म रिएक्शन में इसका यूज किया होगा, आपने बनाया भी होगा, प्रिपेयर किया होगा, जब आपने 3 mol NaOH का यूज किया होगा तब आपका ये आपका बना होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देना, 3 mol जब आपने NaOH किया होगा और वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव किया होगा, तो आपका यहाँ पर क्लोराल बना था, ठीक है। अब इसी क्लोराल की रिएक्शन अगर मैं क्लोरोबेंजीन के साथ करवा दूं, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, जो आपको मगअप करने पड़ेंगे बच्चों, कुछ कुछ रिएक्शन आपको केमिस्ट्री में, और बाकी तो आपको समझ सकते हैं, बाकी जो भी आपका मैकेनिज्म वाला पार्ट होगा वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीडीटी। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, ध्यान से समझेंगे बच्चों। ये वन वन डैश मान लेते हैं इसको, वन और टू, तो देखो ये आपका मेन चेन लेंगे हम, तो ये आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। ये आपका मेन चेन होगा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट, इसको मेन चेन लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, वन वन डैश, पहले मैंने यहां पर सिंबल लगा दिया, अब क्या होगा, वन वन डैश पे क्या है बच्चों, वन वन डैश पे क्या है, ये वाला कंपाउंड है, तो क्या लिखेंगे, टू टू टू, क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है। अब ये दोनों से जुड़ा हुआ है वन वन पोजीशन पे, तो वन वन डाई आई, ये मैंने लिख दिया इसका नाम, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, ये कितने बच्चों, दो है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, 20, आगे क्या हो जाएगा, टू 20, सॉरी यहां पर 1 2 3 4, यहां पर भी 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आपका क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, फोर क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो ये इसका आपका क्या है बच्चों, आईयूपीएसी नाम। वैसे इसके दो आईयूपीएसी नेम हो सकते हैं, एक आपको इसका फंक्शनल ग्रुप मान के, इसको आप मेन चेन मान के, इनको सब्स्टिट्यूएंट मान के भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको मेन मान के, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान के लिख सकते हो, लेकिन आपका मोस्ट प्रिफर्डली आपको इसको प्रिफर्ड किया गया है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इसमें और भी आपके पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, सो हम उसको भी अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार, HIO3। अब देखो इसका यूज हम
कहाँ करेंगे? टिंचर आयोडीन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में करेंगे? टिंचर आयोडीन के फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं। और भी हमारे हैं जैसे CH2Cl2, तो वहां से आपके क्वेश्चन आना काफी कम है। तो आई होप सो कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और इस तरीके से आपका एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड वाला चैप्टर बच्चों समाप्त होता है। अब हम इसके क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा बच्चों वो एल्कोहल फिनॉल ईथर है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।